20 जादे जादे वही लंगड़ा वाला है जादे। और ले सब बटोर के जितना बैल है सब लाके डालो। एक आदमी के लेना बैर बंदर के लिए। हाँ 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 उनका बटोर जगह खाली कर लो। पहले बाउंड्री बनी सब काट लो है और वही आम के पेड़ में एक ढाही गाड़ के वहीं में टांग दो। देखिए थोड़ा काम अभी किया। चलो हटो नहीं वैसे निकल। सारे अखबार के कटिंग सब रोज के रोज निकल रहा है। रोज लोग रोग छाटे जा रहे हैं। एक में सब यहाँ कमरा वहाँ वहाँ कमरा वहाँ सब इसी ट्रांसफर के चक्कर में सब यहाँ को वहाँ वहाँ को वहाँ ससुरा मिलता गया। समय नहीं मिलता। अब ये पर्ची देखिए निकला है हनुमान मंदिर का मनेरू का है कहीं रखा था। अब हमने कहा इसको सीधे गंगा जी की तरफ ले जाना है। कागज़ है गल जाएगा। अब भगवान का फोटो महात्मा का फोटो लोग छाप देते हैं। अब बताइए इस कहाँ अगर या तो रद्दी में जाए कूड़े में जाए या आग में जलाओ। यह है हमारे यहाँ का सिस्टम था। नहीं लोग देखेंगे कि हम ये छपवा रहे हैं ये जाएगा कहाँ। अब नीचे लिखा हो कि इसको यथास्थान पर रखे डाल दें। देखिए कटिंग निकल रहा है। अब इसी से हमारा कैलकुलेट होगा। यह देखो अपने शहर में बाल व बानर भोज समाज सेवी सुखू बाबू व राकेश कक्कड़ की ओर से पशु एवं पर्यावरण सेवी श्याम साधु द्वारा 7190वां बाल व बानर भोज बछड़ावा विकास क्षेत्र की सुदौली गांव के पास स्थित भंवरेश्वर मंदिर परिसर में शाम 4 बजे। ठीक अब इसी से कैलकुलेट सब निकल आवेगा कि 3 भोज रोज अगर मोटा मोटी मैं जोड़ता हूँ कभी 4 होता है कभी 5 होता है लेकिन हम 3 औसत तक मान लेते हैं हर हालत में। तो उसमें आज कैलकुलेट करके पता लगेगा। उनको अनुज जी को बता देंगे। ये 7-7-13 का है 13-1-13 का है। ये अपने शहर में हमेशा हिंदुस्तान अखबार में हमेशा छापते रहे बेचारे। देखो बाल व बानर भोज श्याम साधु द्वारा 6806वां बाल व बाल चांद भोज चांदवानी परिवार की ओर से भंवरेश्वर मंदिर में 4 बजे 13 जनवरी 13। बहुत सारे कटिंग पटिंग इतने रखे हैं इतने सामान रखे हैं कि छांटते 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 चलो एक रिकॉर्ड रहेगा। सेवा से बढ़कर नहीं है कोई तंत्र मंत्र। और वो श्याम साधु देख रहे हैं ये श्याम साधु कौन सा अखबार है हैं? अखबार का नाम क्या है भैया? विकास खंड जगतपुर। चलो जो कुछ है एक फोटो ये बड़ा अच्छा निकला। कहाँ कहाँ देखो कहीं कोई नहीं कह दे हमको मतलब थोड़े कि हमें कुछ बनाओ लेकिन कम से कम ऐसे लोगों को देशवासियों समाज वालों आगे लाओ वरना जूते खाए हो जिंदगी भर और जिंदगी भर जूते ही खाते बीतेगा। काम करने वाले को लाओ जिसका कोई रिकॉर्ड हो। देखो यह है स्वामी प्रसाद मौर्य देख रहे हैं एक कार्यक्रम यह मैं हूँ। उस समय हम 65 में रहा करते थे है ना। दाढ़ी उढ़ी बड़ ज़्यादा नहीं थी बाल एकदम काले। ये गीता एक भेंट कर रहे हैं गुलाब की माला पहनाया है स्वामी प्रसाद मौर्य। थोड़ा काम किया है कि कितने रिकॉर्ड हैं सर ये निकल रहे हैं सब अभी सब इकट्ठा हो रहा है। ये देखो बाल व बानर भोज ये देखो बहुत से रिकॉर्ड निकल रहे हैं। ये देखो ये है गजब का न्यूज़। ये देखो
पूछने तो उतना काम किया नहीं, इसीलिए मैं चैलेंज करता हूँ कि कांग्रेस में और बीजेपी में जितना मैंने निस्वार्थ काम किया है, एक भी नेता अगर पछाड़ दे तो जो कहीं हम हार जाए। ये देखो यह अखबार देखो, आज भी इसकी अखबार की कटिंग ही इसकी फोटो काफी भी बनी है। ये देखो 17 दिसंबर 2013 मोदी ने देश को दौड़ाया तो श्याम साधु ने लगवाई बंदरों की दौड़, है ना, देख लो पढ़ लो, बंदरों की दौड़। रैली 16 दिसंबर, नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जहां पूरा देश दौड़ा, वहीं पशुएं पर्यावरण सेवी श्याम साधु ने रायबली लखनऊ बॉर्डर स्थित भंवरेश्वर मंदिर में हजारों बंदरों को दौड़ाकर एक अजूबा कार्य कर दिखाया। आज उनका 7537वां बंदर व बाल भोज आयोजित हुआ। इस मौके पर श्याम साधु ने कहा कि सारे पशु व्यक्तियों से प्रेम चाहते हैं और हम उन्हें मार कर खा जाते हैं, इसलिए है उन्हें आक्रामक बना देते हैं, इसीलिए हम उन्हें आक्रामक बना देते हैं। देश के बिगड़ते हालातों पर साधु जी ने कहा कि देश के हर मसले पर साधु संतों भक्तों को बोलना चाहिए, भजन गाना भक्तों का काम नहीं है, बैठे बैठे दूसरों का अन्न साधुओं को नहीं खाना चाहिए, अपितु सर्वप्रथम गो सेवा करके ही भोजन करना चाहिए। साधु जी ने कहा कि फिलहाल केजरीवाल व उनकी पार्टी बेदाग है, इसलिए उनकी मर्जी व जनता की राय से लोकपाल विधेयक पास होना चाहिए, ऐसा न होने पर मैं केजरीवाल की मर्जी से क्रमिक अनशन जारी करूंगा। मालूम हो कि महात्मा गांधी के बाद देश में सबसे बड़ा अनशन किया है तो मैंने किया है, जो पूरे 49 दिन गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने हेतु किया गया था। ठीक है, देख लो ये अखबार की ओरिजिनल कॉपी है, ये फोटो स्टेट नहीं है, देख लिया। चलो रखते हैं, सब बोरियों में अलग अलग छांटा जा रहा है, अभी एक बक्सा भर के रखा है, चलो वहीं दिखाइए आपको। देख सब जानवर खा ले हैं अपन, बैल है, बंदरों के सामने डाल दिया जाएगा, खुद तो खा ही लेंगे, छांट बीन करके छटवाना पड़ा ना, सब पूरा जंगल हो जाता है इसी में। अब एक जौन अच्छा, हाँ सेम तो हटा ही रहे हो, नहीं सेम के बाउंड्री तनको रही तो फिर हुआ चढ़ जाई। अब सेम के चक्कर में अमरूद का पेड़ हमारा पूरा इसके ऊपर पूरा छा रहा था। चलिए उस बक्से को हम दिखाते हैं, इस साइकस का आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा महंगा प्लांट होता है, लोगों बेचते कभी नहीं, कोई शौकीन है उसको दे देते हैं, भेंट में देते हैं। जो हमारे खासम खास लोग हैं लंदन में बैठे हैं, कोई मुंबई में है, कोई दिल्ली में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, एक पोस्टर हमारे ये रखे रखे पेंटिंग का खराब हो गया, किसी ने बना के दिया था ये हमारा पेंटिंग, ये पर्यावरण सेवी श्याम साधु। अब चलिए हम बक्सा खोल के दिखाएं आपको, ये बक्सा देखो, इसी तरह बक्सों में भरे पड़े हैं सब, किनारे करें जरा, कुछ ना कहीं पानी न घुस जाए, इसी हिसाब से है ना, यहाँ पानी टपके तो चला जाए पानी अंदर। ये देखिए आप, ये पूरा बक्सा भरा पड़ा है नीचे तक, अखबार की कटिंग से सब, अखबार की कटिंग से भरा, अभी छांटते छांटते अभी महीनों लग जाएगा, देख रहे हैं, देखो सब अखबार की कटिंग सब गड्ढी से गड्ढा। क्योंकि हम लेबर लगाना पड़ा, हमने कहा हम तो कर ही नहीं पाएंगे इस जन्म में, तो नहीं कर पाएंगे, सब रद्दी में फेंक दिया जाएगा, इसकी किसकी परवाह है। कुछ ही ऐसे लोग हैं जो हमारे जैसे सिद्धार्थ सिंह चौहान साहब,
देखो लेबर का काम देखा, इसमें कैसा भंभक रख दिया कि चूहे आवे जाए। ए सुनो, यहाँ आओ, यहाँ आओ। ये कंदर का चीज है, यह बक्से में कपड़ा पड़ा है, कपड़ा है, लेकिन यहाँ आओ। ये देखो है ना, ये चूहा क्या आवे जाए भर के है, तब एका को बंद के है। आंटी निकाली ना, तो आंटी के समझा दे। रुको रुको रुको, उठाओ क्या निकाली है, क्या निकलवे अखबार का। हाँ अब रखो, अब रखो, अभी का ठीक से बैठा के बंद करो, उनका बता दो जाके, ये तो रजाई है वही कुर्तन वाला। ठीक से बंद करो, चपका के बंद करो एकदम, कोई चीज़ से सुनो, हथौड़ी लाओ क्या, ठोंक के बैठाओ जरा, जाओ थोड़ा ठोंक ठोंक के बैठाओ, पहले गद्दा हटाओ तो बचाइए, ऐका फ्री करो, फ्री करके तब ऐका खोलो, बंद करो, देख लो। हाँ आंटी के न धरा है कपड़ा यहीं में, चूहन के अड्डा सा। देखो एक तो यहाँ यह कोने में नहीं बैठा, पहले एक कोने में बैठा हुआ के। हाँ उधर मारो धक्को उधर हाथे से। हाँ खोलो खोलो खोलो, खोल के बैठाओ, सुनो खोल के थोड़ा पीछे दे हल्का सा, जमे बैठावत बेरिया फैल जाए, समझ गया कि नहीं। हाँ देखो कपड़ा लत्ता धरा, ये हमें ये भी ये बक्सा कहिए, ये हमें कागजे पत्ते रखे हैं सर, ले यही का निकालो, ये बक्से का कोई कागज यहाँ कोई कागज कहीं, छोड़ो एक पीट पीट के बैठा लो, अच्छा छोटी हथौड़ी से निकाल के बाहर रखो, एक बक्सा के, बक्सा के लेता है। देखो यही में सब कागज पत्ता झोला सोला सब टंगा होना चाहिए। चलो ये हो गया निकाल लो, झोला है टांगे काम है, बंद करो अब ऐसा बैठा लो। ध्यान देखो वो हट जा है ना, सुनो ये जो बर्रा है वही का पीट का बैठाओ, थोड़ा ऐसा पीट का बैठाओ, तीन बार चार बार बंद करके सुनो, जौन कागर है ये मान लो हर तरह पीट पाट के देख लो, जो मैं खट से बैठ जाए, अगर हुआ तार बांध सकते हो तो उसमें तार बांध दो, जो करो ढंग से करो। इसका नमूना आपको दिखाते हैं, यहाँ जहर खाने को फुर्सत नहीं मिलती है, लोग बुलाएंगे कार्यक्रम में आप नहीं आए, हैं वहाँ पर वो कवि सम्मेलन है और मुशायरा है, अब ये मुशायरा देखें, आज हजारों पशु पक्षियों को भोजन मिल रहा है, हजारों कितने केले के घोल निकले हैं, सब पकते हैं, चिड़िया खाती हैं, बंदर खाते हैं, काम करने के लिए आए हैं, मुशायरा और शेर व शायरी के लिए, वाह 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 वाह, इसीलिए सब तरसा करते हैं एक एक चीज के लिए। कल अमरूद खरीद के लाए थे बंदरों के लिए, बस अब एक घंटे डेढ़ घंटे में इस आदमी को लेके निकल जाएंगे, सब हमारे पेड़ के टपके हुए नारियल हैं सर, वो बेल रखा है वहाँ, वो खराब हो रहा है, अब रखे था कि सुखवाएंगे गुदा सुखवाएंगे, मौके नहीं मिला। गोमती जनशक्ति फोटो कापी पूरा सजरा लिखा गया था इसमें, यही जो है देखो एक एक चीज इस पे देखो, ये एक पर्चा छपा था दुनिया का अनोखा बाबा, ये गोमती जनशक्ति पूरा सजरा है इसके अंदर, कब कैसे कैसे क्या हुआ है ना, रखें चले कमरे को रख रहे, देखा आपने मोदी ने देश को दौड़ाया तो आज से लगे हुए हैं 13 से, चले रखें।